हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आप लोगों के लिए आ गया हूँ। जो बच्चे हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं एंड हु बिलोंग फ्रॉम ISC और ICSE बेसिकली स्कूल्स, उनका रिजल्ट आ चुका है। 6 मई को उनका रिजल्ट चेक हो चुका है। जिन्होंने अब तक चेक नहीं करा, ऐसे चेक कर सकते हैं। प्रोसेस आपके सामने है। रिजल्ट का लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा बहुत ईजिली, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैं ये वीडियो आपको बताऊंगा कि आप कैसे रीवैल्यूएशन करा सकते हैं अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं तो कंडीशन अप्लाई। तो वो स्टूडेंट्स जो ICSE बोर्ड या ISC बोर्ड से हमारे चैनल को देखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पता चलने वाला है कैसे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं रीवैल्यूएशन के लिए। रीचेक और रीवैल्यूएशन के दोनों के प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या नॉर्म्स से ISC ने सेट करे हैं आप लोगों के लिए, वो सब कुछ आपको डिस्प्ले करूंगा इसी वीडियो में। एंड तक देखना याद से बच्चों। ठीक है, सबसे पहले रिजल्ट चेक करने का, रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब पहले डेट बता दूँ तो क्लास 10th के लिए डेट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ICSE बोर्ड का रिजल्ट May 6th को ऑलरेडी आ चुका है। रीचेकिंग एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 6th of March से, होनी थी लेकिन 24 आवर्स का टाइम लिया था रिजल्ट के, 24 आवर्स के अंदर स्टार्ट होनी थी, तो 7th of May से स्टार्ट हो चुकी है। 4 दिन आपके पास है, 7, 8, 9 and 10, 4 दिन है। 4 दिन में आपको हर हाल में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट डेट 10th में है। 12th का भी यही सेम है प्रोसेस अपना, 6 मई को रिजल्ट आया और 10th मई से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए करना क्या वो सुन लो। सबसे पहले एक पूरा सर्कुलर आपके स्कूल ने दे रखा है, आपके बोर्ड ने बहुत बड़ा सर्कुलर ऑलरेडी दे रखा है, उस सर्कुलर को बता देता हूँ क्या क्या है मेन अपना। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहें उसका भी इसके अंदर पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखी है पूरी। ठीक है, या आप वेबसाइट से, मेन वेबसाइट से CISC.org से डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल मेन बता दूँ, जिन लोगों ने रीचेक एंड रिवेल्यूशन कराना है उन्हें क्या करना है, सबसे पहले रीचेक का प्रोसेस करना पड़ेगा। जो लोग रीचेक कराएंगे वही रिवेल्यूशन करा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। रीचेक का मेन पर्पस होता है आपकी जो केजिंग होती है ना उसको चेक करना, जैसे CBSE में केजिंग चेक करता है रीचेकिंग वाले प्रोसेस में, ऐसे आपके यहाँ भी सेम यही प्रोसेस है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको बोर्ड को पूरे 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से सबमिट करने पड़ेंगे, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, रीचेकर बोर्ड अपॉइंट करेगा आपका और वो आंसर चेक करेगा, आंसर मीन्स ऑल द आंसर हैव बीन मार्क्ड, चेक नहीं करेगा, सिर्फ ये देखेगा सारे आंसर, कोई आंसर अनचेक तो नहीं रह गया वो देख लेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है टोटलिंग के अंदर वो चेक करेगा, कवर पेज पे जो टोटल है, जो अंदर टोटल है वो ठीक है नहीं, और जो शीट्स वगैरह अटैच हुई हैं आंसर स्क्रिप्ट के अंदर वो सारी मेंशन है नहीं है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट तो नहीं रहेगी बीच में, ऐसी शीट तो नहीं रहेगी जो बिल्कुल अनचेक रह गई हो, ये सब कुछ चेक करेगा और कुछ चेक नहीं करने वाला। आई रिपीट, वो सिर्फ देखेगा कि सही, बेसिकली सारे क्वेश्चन सही से चेक हो रखे हैं नहीं हो रखे हैं। ठीक है, मार्क्स सब पे दे रखे हैं नहीं दे रखे, बस कितने मिलने चाहिए कितने नहीं मिलने चाहिए वो नहीं देखने वाला। एक 5 मार्क के क्वेश्चन में बच्चे को 2 मार्क्स क्यों मिले हैं उसको नहीं पता, उसको फर्क नहीं पड़ता, ये ही इसका मेन पर्पस है, इस बात को ध्यान रखना। रीचेकिंग इज ऑल अबाउट कि हाँ भाई सही से जो टोटल वगैरह वो ठीक है नहीं, बस ये चेक करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब कंडीशन है, जो लोग, पहली बात तो ये रीचेक वाला जो रिजल्ट है आपको 4 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपडेट हो जाएगा हैंड टू हैंड, आपके पास पोर्टल आ जाएगा अपडेट होने वाला, कैसे पोर्टल पे अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए अप्लाई करें तो उसका भी प्रोविजन है, उसका भी प्रोविजन है, उसका भी प्रोविजन है, कैसे है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो लोग या जो बच्चे इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है, जो बच्चे इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे वो क्या करेंगे वही आपको बताता हूँ मेन अपना। ठीक है, सो जो इससे सेटिस्फाई नहीं हुए वो लोग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन उसी सब्जेक्ट का होगा जिस सब्जेक्ट की आपने रीचेकिंग करा ली है। अगर आपने केमिस्ट्री कराई है तो आप सिर्फ केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, रीवैल्यूएशन करा सकते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं करा सकते। ठीक है, उसकी कंडीशन है जिस दिन आपका जो है रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बोर्ड को पूरे देने पड़ेंगे 1500 रुपीज़, मेंशन कर गया 1500 रुपये देने पड़ेंगे रीवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, आपके पास बोर्ड हो सकता है शायद PDF भेजे, क्योंकि बिना PDF के ऑब्वियस बात है रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो आपको बोर्ड मेंशन करेगा। ठीक है, कॉपीज वगैरह मेंशन करेगा, आप आंसर चेक करेंगे उसको अच्छे से, एक बार अपने किसी एक्सपर्ट से चेक कराएंगे और उसके बाद बोर्ड को बताएंगे किस किस क्वेश्चन में गलती है या कौन कौन से क्वेश्चन आप रिवैल्यूएट कराना चाहते हैं। फीस फिक्स है, 1500 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब देना पड़ेंगे, कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर, आपको देने पड़ेंगे। और एक कंडीशन और है, अगर कोई भी फाइनल मार्क्स के अंदर इसमें चेंज आता है
आई रिपीट, ध्यान रख के चलना इस बात को, अगर फाइनल मार्क्स के अंदर कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज को आपको वेलकम करना पड़ेगा। इट मीन्स वो चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस चेंज को नेगलेक्ट कर दें बिल्कुल भी, ठीक है। आपको चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलना। कोई भी चेंज आता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करना। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, उतने से भी कम है जितने आप डिजर्व करते थे, और आपको लगता है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, चेकिंग अच्छी नहीं हुई, चेकिंग अच्छी ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टीचर का मूड बहुत खराब था, टीचर इतना एजुकेटेड नहीं था, टीचर को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, क्योंकि सारे के सारे ICSE स्कूल के अंदर भी मैं कहूँ बहुत ब्रिलियंट टीचर हो ऐसा नहीं हो सकता, सबके सब पढ़े लिखे तो ऑब्वियसली बात है यहीं से ही है, तो ज़रूरी नहीं सारे के सारे ब्रिलियंट हो, तो ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए सोच समझ के करना, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो डिक्रीज इंक्रीज दोनों के दोनों आपको वेलकम करे जाएंगे बिल्कुल अपना, और बाकी जो भी है रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी डैमेज या इनकन्वीनियंस कॉज होता है मार्क्स के फाइनल होने से, तो आपको उसको झेलना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी, और उसके हिसाब से डिजी लॉकर में रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब सुन लो अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी साइट, ऑब्वियसली बात है जो आनी पड़ेगी, साइट आपकी है, ठीक है, उस पर आना पड़ेगा। उसमें आपको यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज वाले कॉलम में जाना है और सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा, ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लॉगिन करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ डिटेल आपसे पूछेगा, या आपकी सारी डिटेल है, मैंने फिलहाल लॉगिन कर रखा है अपना, तो ये सारी डिटेल मुझे फिल करनी है। इसमें बता रखा है सेलेक्ट इंडिविजुअल फॉर रीचेक रिक्वेस्ट, अगर आप रीचेक की रिक्वेस्ट करना चाहते हो या इंडिविजुअली सेलेक्ट करना, ठीक है। उससे पहले आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल बनाना बहुत सिंपल है, आपको अपने ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड अपनी इच्छा से जो डालना चाहे डाल सकते हैं, और ईमेल आईडी पर जाके उसको अप्रूव भी करना है कि आपकी ईमेल आईडी ओरिजिनल है, वहाँ से अप्रूव करेंगे उसके हिसाब से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने का तरीका मैंने आपको बताया, बहुत ईजी है, ठीक है। आप लॉगिन करके अपना नेम जो भी आपका है, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सब कुछ अप्लाई करेंगे आप लोग। इसके बाद वो आपका जो है नीचे आने पर पिन कोड वगैरह ये सब अपडेट करेंगे। इसके बाद फिर आपका रिजल्ट खुलेगा, रिजल्ट वाला नंबर जो आपको मिला है उसको आप डालेंगे, आपका रिजल्ट ओपन होगा। फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट का आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, एक का, दो का, उसके हिसाब से आप फाइनली से भी उसको ICSE को पेमेंट करेंगे 2000 रुपये की, अगर दो सब्जेक्ट हैं, 3000 की तीन तो सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से आगे प्रोसेस चला जाएगा। अगर आपको लगता है ये प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल है, या आपको लगता है कि आप ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको एक्सपर्ट्स की नीड है इस प्रोसेस को करने के लिए, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके भी यहाँ पे सारी प्रोसेस हम करेंगे और पूरी चेकिंग में आपका साथ निभाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी चेकिंग हम लोग करवाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, और इंश्योर करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिले, ये हमारा वादा है, ठीक है। सो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है, +9184520100 पे आप मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी डिटेल चाहते हैं इसके बारे में तो आप पूछ भी सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आपका पोर्टल 7 मई को ओपन हुआ है, ठीक है, और ये पोर्टल आपका 10 मई को क्लोज हो जाएगा। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप रह जाएंगे। टोटल खर्चा बता दूँ, 1000 रुपये रीचेकिंग का है, जो कि बोर्ड चेक ऑब्वियसली बात है बोर्ड आपको मांग रहा है आपसे, और उसके बाद 1500 रुपये रिवैल्यूशन का मांगेगा बोर्ड आपसे, 2500 रुपये का खर्चा है। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे रीचेकिंग के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं वो रिवैल्यूशन नहीं करा सकते, उनको उनकी नोटबुक नहीं मिलेगी, ना ही वो देख सकते हैं उनकी क्या गलतियाँ क्या गलती नहीं है, और उसके हिसाब से वो मांग भी नहीं सकते उनकी गलती क्या रही या नहीं रही, और कुछ नहीं हो सकता प्रोसेस में। इसे रीचेक करना कंपलसरी है, रीचेक करवाएंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं। तो जो लोग स्टेप वन नहीं लेंगे, ठीक है, जिन लोगों ने स्टेप वन नहीं लिया रीचेक वाला, वो एलिजिबल नहीं होंगे स्टेप टू के लिए, इस बात को ध्यान रखे चलना, ठीक है। तो स्टेप टू के लिए दे आर नॉट एलिजिबल, तो जो लोग फर्स्ट स्टेप लेंगे वही एलिजिबल है स्टेप टू के लिए, इस बात को ध्यान रखे आपको चलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्म है, भूलना बिल्कुल नहीं है, इस बात को ध्यान रखे चलना। थैंक यू वेरी मच, फिर भी कोई हेल्प आपको चाहिए तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है अपना, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट। और अगर आप रिवैल्यूएशन खुद करना चाहें, रीचेकिंग खुद करना चाहें, और फिर भी आपकी नीड है कि कोई एक्सपर्ट आपकी नोटबुक एक बार देख ले, चेक कर ले कि उसमें कहीं मार्क्स बढ़ने के स्कोप तो नहीं है, तो हमारे पास बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट के, जो कि आपको बेस्ट गाइड करेंगे कि आपका ये आंसर ऐसा होना चाहिए था जबकि आपने ये लिखा है इसलिए आपके मार्क्स कटे हैं, या फिर ये लिखने पर आपको मार्क्स मिलने थे, या फिर आपने ये लिखा है फिर भी टीचर ने मार्क्स काट रखे हैं, आप इसको रीचेक कराओ, तो हमारे गाइडिंग अथॉरिटीज़ आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेगी और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज कराने में पूरी मदद करेगी। उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। वी आर देयर फॉर यू टुडे एंड ऑलवेज हेल्पिंग यू टू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आगे भी आते रहेंगे।